इतवा है मेरे रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती हैं किस्म तो आप सबको इमरान खानवारी की जान से अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान है नहत रहम करने वाला है। चलते जनाब मैच यानी लफा हमेशा अपना अपना रखे में पहला बॉल डिलीवर हो जाता है और आगाज जनाब बहुत ज़बरदस्त लिया है लेकिन लाइन जनाब आप चूक गए हैं। मिलेगा वाइट बॉल आप लोग तमाम दोस्तों को वेलकम किया जाएगा भाई साहब मैच में साथ में बताते चले आपको FCL सीजन 1 का ग्रैंड मैच घनी ओड वर्सेज लालो ब्रास्टर के माबेन। इस टाइम हम मौजूद सरजमीन दुकोट से बरा रास्ता आपको दिखा रहे हैं। टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है घनी ओड ने, बैटिंग दी गई है लालो ब्रास्टर को। सामी बल्लेबाज आ चुके हैं लालो ब्रास्टर के, कल के मैच के हीरो माजिद शाह स्ट्राइक पर मौजूद, इनका भरपूर साथ देने के लिए नाइस स्ट्राइक पर मौजूद है। वसीम लालो बॉलिंग के लिए उतारा गया है घनी ओड की जानिब से। किंग ऑफ द किंग वेरिएशन किंग नबील किंग को सामना होगा माजिद शाह से, कल के मैच के हीरो। अब की बार एक और शॉट लगाने में कामयाब हुए हैं दबंग अंदाज में बॉल के मुझे बाउंड्री के बाहर। स्वागत तो करो हमारा जनाब नबील किंग का स्वागत किया गया छक्के के साथ। माजिद अली यू ब्यूटी इसलिए है छक्के के बाद अच्छा कमबैक है नबील किंग का। आपकी बार स्ट्राइक आ चुका है वसीम लालो के पास, पहला बॉल खेलेंगे और रॉकेट शॉट खेला है बॉल के भेजे बल्लन के बाहर। आगाज किया है बाउंड्री के साथ वसीम लालो ने जबरदस्त। महबूब भाई अलराफे स्पोर्ट से एमसिल दिखाएंगे और असिस्टेंट भाई इस्लाम कर रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। स्लो रन किया चकमा दिया गया है नबील किंग की जानिब से। हीरो बने थे माजिद शाह शाली की टीम में, कौन कौन से प्लेयर जनाब शाली की टीम में, छोटा विकी हुआ नबील किंग बॉल डॉट में कामयाब और आउट का इख्तिताम। पांच मैच होते हैं बॉलिंग पर सामना होगा वसीम लाल से, फुल लेंथ बॉल, बॉल गया है लेग स्टंप की जानिब और मिसफील्ड का मुजाहरा, मिलेंगे चार रन। तो एक बार फिर से अपनी टीम को विन करवाने के लिए क्रिस वॉफ की बार एक और शॉट और बॉल के बॉलर क्रॉस समा सिक्स, पहला छक्का लगाने में कामयाब हुए वसीम लालो। तो मैं मासरत खान इरफान राजपूत एक बार फिर से सामना होगा वसीम लालो से, दो चौके और छक्का लगा के क्रिस मौजूद और बॉल के जब थर्ड लेग स्टंप की जानिब और मिलेगा एक रन पर से का मैंने कोशिश की। कौन कौन सी टीम है जनाब लालो ब्लास्टर वर्सेस गनियोड रिश्वान राजपूत, अब की बार बॉल हवा में है कैच हो सकता है लेकिन फील्डर ना पहुंच पाया, मिलेगा एक रन। शाली शाली के लिए ख्वाहिशत का इजहार किया जा रहा है अजहर चंद की जानिब से। अरे भाई हम पूछ रहे हैं हाफिज भाई, वालेकुम अस्सलाम लाल भाई। इरफान राजपूत सामना होगा वसीम लालो से, अब की बार बॉल आया रिडार में और भेजा है खूबसूरत अंदाज में बॉलर के बाहर, एक और बड़ा छक्का वसीम लालो के बल्ले से, दो छक्के लगा क्रिस मौजूद वसीम लालो। माजिद शाह एक बार फिर से सामना होगा वेरिएशन किंग नबील किंग से, पहला बॉल उठा खेला है बॉल हवा में है फील्डर है मौजूद और देखना होगा क्या ड्रॉप, पांच चार फील्डर के दरमियान बॉल गया हो गया ड्रॉप। एक और चांस माजिद शाह को, ऐसा महंगा साबित होगा माजिद शाह का क्या छोड़ना। कल के मैच की बात करें तो माजिद शाह को तीन चांस मिले थे और इन्होंने अपनी टीम को मैच विन करवाया था। फिर से दो जनाब बताइएगा एक बार फिर से नबील किंग स्लो रन किया है चकमा दिया है माजिद शाह को। इस बॉल को समझने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा ब्यूटी, इसी चीज से जाने जाते हैं नबील किंग। बड़े बड़े बैट्समैन इस बॉल को खेलने से नाकाम हुए, जबरदस्त बॉलिंग लो फुल टास करते हैं बड़े से बड़ा बैट्समैन जयपाल क्रिकेट का परेशान हो जाता है नबील किंग की इस लो फुल टास को। रोला ऐसे जनाब किंग ऑफ द किंग वेरिएशन किंग नबील किंग सामना होगा आपके वसीम लालो से और फुल टास बॉल उठा कर खेला है एक और बड़ा छक्का, तीन छक्के लगा के क्रिस मौजूद है वसीम लालो। जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा आगे हो हाफिजमान के मैच कल, ऐसे भाई हाफिजमान कल मैच होगा। ओहो एक और बड़ा छक्का हवाओं को चीरते हुए बॉल ने किया बॉर्डर क्रॉस, चौथा छक्का वसीम लालो की जानिब से, रनों की रफ्तार बहुत बहुत बड़ा इवेंट FCL सीजन 1। इरफान राजपूत एक बार फिर से सामना होगा माजिद शाह से, उठा कर गया बॉल थर्ड मैन की जानिब और देखना होगा फील्डर है मौजूद, एक कैच ड्रॉप, एक और कैच को किया ड्रॉप और बॉल के मुंडन क्रॉस, मिलेंगे चार रन। तीसरा कैच ड्रॉप हुआ है माजिद शाह का, कमाल का लक है माजिद शाह का, कल के मैच कमाल की बल्लेबाजी की एस एन टी टेन है।
طوفان رات پہ ایک بار پھر سے سامنا ہوگا ماجد شاہ سے ملے گا ایک رن ایس این ٹی ٹین اشفان رات پہ ایک بار پھر سے سامنا ہوگا ماجد شاہ سے نعمان بھائی کو میل اسٹرائک کر کے زبردست گیند باز نعمان نومی آپ کو ویلکم کرتے ہیں وائس آف میلسی پیج پر اور ماجد بھائی آپ کی محبت حیدر کا وسیم لالو چار چھکے کرکٹ میں موجود ہے فان آف سامنے آپ کے باہر ایک اور بڑا شاٹ آئیفل ٹاور سے بھی اونچا شاٹ وسیم لالو کی جانب سے پانچواں بڑا چھکا وسیم لالو کی جانب سے لگتا شکر میں نے ہاتھ آگے کر دیا ایک اور بڑا شاٹ اور ایک اور خوبصورت سکس ایکسٹرا کور کی جانب ایک اور سکس چھ چھکے لگا کر وسیم لالو ان فائر کیا کہنے جناب تیرے کیا کہنے بڑا میچ بڑا پلیئر ہے وکٹ پر وسیم لالو ایک اور بڑا شاٹ وسیم لالو کی جانب سے ہواؤں کو چیرتے ہوئے بال کر کے مڈل کراس ساتواں بڑا چھکا وسیم لالو کی جانب سے لالو تیرے کیا کہنے میلا لوٹ لیا ہے لالو نے مرتبہ رنز ہو چکا ہے 80 پھر سے وسیم لالو ایک اور بڑا شاٹ بال ہوا میں ہے کیچ ہو سکتا ہے فیلڈر ہے موجود دیکھنا ہوگا کیا ڈراپ ایک اور کیچ کا کیا ہے ڈراپ کنی اور کی ناقص فیلڈنگ ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے میں آپ کا بہت بڑا رول ماجد شاہ کا آپ کے بار سامنا اور ماجد شاہ کا بلہ بھی اگلا ہے رنز بہت سارا لگایا ہے چھکا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں وسیم لالو کا ماجد شاہ فقط آپ کی محبت ہی خاطر ہے لالی پور کا اس کے بعد میچ ہے عمر شیخ آئے ہیں بالنگ پر اور ماجد شاہ کروا ہے بال ڈاٹ پانچ بالز کا کھیل ہے باقی باہر 100 رنز ہو چکے ہیں کمپلیٹ لالو بلاسٹر کے ابھی 3 بال کا کھیل ہے باقی لاسٹ بال کھیلیں گے اب کی بار ہلکا سا ان سائیڈ ایج اور ملے گا ایک رن جس رن کی کوشش کی جا رہی ہے اس رن کے دوڑے ہیں ماجد شاہ اور رن آؤٹ یہاں پر اور سلامی بلے باز آ چکے ہیں غنی اوڈ کے بہت ہی زبردست پلیئر ہے چھوٹا وکی اسٹرائک پہ موجود ہے ان کا بھرپور ساتھ دینے کے لیے نائن اسٹرائک پہ موجود ہے راہل شاہد جناب بھائی وسیم کو سلام پہلی بال کھیل اٹھا کھیلا بال کو سنڈن کی جان کیچ ہو سکتا ہے اوہ کیا ڈراپ پہلے ہی بال پر کیچ تو کیا ڈراپ نئی زندگی مبارک ہو چھوٹے وکی کو رشید 112 سامنا ہوگا آپ کے بعد ڈینجر بیٹسمین راہل شاہد سے پہلا بال اٹھا کھیلا ہے بال ہوا میں ہے فیلڈر ہے موجود کیا ایک کیچ لے پائیں گے دیکھنا ہوگا اوہو بال کا مڈل کراس پہلے ہی بال پر اپنے آپ کو منواتے ہوئے راہل شاہد سواگت تو کرو ہمارا چھکے کے ساتھ سواگت کیا گیا ہے رشید کا زبردست انٹری دی ہے ایف سی ایل میں راہل شاہد نے پہلے ہی بال پر چھکا لگا کے اپنے کلاس کو شو کیا اشارہ کرکٹ لیگ کا سپر ہیرو ایک اور بڑا شاٹ بال ہوا میں ہے فیلڈر ہے موجود اور دیکھنا ہوگا کیچ کو لینے میں کامیاب راہل شاہد کے رسک کا اختتام جانا ہوگا آپ کو اپنے کی جانب پہلے ہی اور میں وکٹ لے کے دیا ہے رشید نے جناب رفیع بھائی رزلٹ میں بھی مزہ آئے گا ایک منٹ رکھیں تھینک یو آپ کو بتانے کا بال بال آ رڈار میں کیچ ہو سکتا ہے فیلڈر ہے موجود اور کیچ چھوٹے وکی کا بھی نہیں اس کا ہوا اختتام پہلے ہی اور دو وکٹ آپ کی طرف نہیں جناب میری طرف نہیں رشید ایک بار پھر سے فل لینتھ بال ڈراٹ کرانے میں کامیاب بالنگ سامنے بیٹسمین بھی پہاڑ جیسا خاصا دراز قد کا مالک سجاد پولارڈ سامنا ہوگا فہیم نوناری سے اسد بھائی اسلام جناب آپ کو سلام دیں گے وی آئی پی تھینک جناب جناب پہلا بال ٹاپ ایج اور بال گیا بال کے بولر کو آس ملیں گے چار رنز کے ساتھ کھاتا کھولا ہے سجاد پولارڈ نے ایسے ہی جناب آپ کو بیٹنگ کرنا ہوگی سامنا ہوگا ڈینجر بیٹسر سجاد پولارڈ سے بال اور بال کو بھیجے بولن کے باہر قطب مینار سے بھی اونچا شاٹ لگایا یہاں پر سجاد پولارڈ نے اسی چیز سے جانے جاتے ہیں سجاد پولارڈ اس ایونٹ کا سب سے لمبا چھکا لگانے میں کامیاب سجاد پولارڈ
गला मेरा ठीक हो जाए, सेहत दे, बस अल्लाह तंदुरुस्ती दे। पापा इस फैमिली वाले सामने होगा चार प्लॉट का एक और बड़ा पावरफुल हिट। व्हाट अ ब्यूटी। कुतुब मीनार को तो छोड़िए जनाब, अब की बार बॉल क्रॉस करके आईफल टावर, क्या कुतुब मीनार, क्या बहुत बड़ा छक्का सज्जाद पोलार्ड का। तीन बॉल से दो छक्के एक चौका लगा, क्रीज में मौजूद सज्जाद पोलार्ड। सज्जाद पोलार्ड ने आके गेम को चेंज, फेम नुनारी को तीन बॉल से रन ले चुके हैं 16। जबरदस्त बैटिंग बाय सज्जाद पोलार्ड, देखना होगा खासा महंगा ओवर साबित होगा क्या इस इवेंट का। एक बार फिर से फेम नुनारी बॉल को उठा के ला है, फील्डर मौजूद और देखना होगा बॉल का बड़े प्रयास, एक और बड़ा छक्का, जबरदस्त बैटिंग बाय सज्जाद पोलार्ड। चार बॉल से तीन छक्के एक चौका लगा के क्रिस मौजूद। क्राउड जी आप एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को, देखिएगा चारों तरफ में आपको देखने को मिला क्राउड ही क्राउड, हाउसफुल शो। आपकी बार एक और बड़ा पावरफुल हिट, सवाल बैटिंग में सज्जाद पोलार्ड, चार छक्के लगाए हैं इसी ओवर में और एक चौका। सज्जाद पोलार्ड ऑन फायर, कमाल की बल्लेबाज सज्जाद पोलार्ड की जानिब से, जहां वक्त थमा था वहीं से शुरुआत हुई है दोबारा सज्जाद पोलार्ड। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, चार छक्के लगाए हैं और एक चौका सज्जाद पोलार्ड ने। खैर फहीम नुनारी की अब की बार बॉल को डॉट करवाने में हुए कामयाब फहीम नुनारी, और को इख्तिताम खासा महंगा और देखने को मिला है फहीम नुनारी की जानिब से, 28 रन का महंगा ओवर। सज्जाद पोलार्ड पे और किफायत उम्र क्रिस में तमाम तरह जिम्मेदारी लेके अब की बार आगे बड़ा बॉल है, खूबसूरत खेला बोलन के पास गया है, बॉल फील्डर है मौजूद है, एक रन लेने में हुआ कामयाब। चित की सामने एक बार फिर डेंजर बैट्समैन से होगा, आगे बड़ा बॉल गया थर्ड मैन की जानिब, मिलेगा एक रन, फील्डर है मौजूद, बॉलिंग में मौजूद माजिद शाह। देखना होगा आपकी बार इरफान राजपूत, फुल लेंथ बॉल और डॉट कराने में हुए कामयाब माजिद शाह। वनडे इवेंट को लेकर आप साथ जुड़ेंगे वाइस समय से पिच पर। शाहिद शब्बी अब की बार क्लीन बॉल, बड़ा डिलीवरी, समझ कम बैक शाहिद शब्बी का, मिला के डेंजर बैट्समैन की चलता पर उनकी जाने शेप शेख से फुल, ओए जबरदस्त आगा स्वागत किया छक्के के साथ शेप शेख ने शाहिद शब्बी का, पहले मैच का पहला मैच ये भी। अब की बार एक और बॉल पावरफुल हिट और बॉल हवा में है और यकीनन 6 रन मिलेंगे, दो बार से दो छक्के लगाए हैं शाहिद शब्बी को शेव शेख। स्टार्टिंग शेव शेख की जाने से पांचवा ओवर ले पाएंगे, हैट्रिक बॉल होगा ये और बॉल आयरन डार में, बहुत ही ऊंचा शॉट यहां पर लगाने में कामयाब हुए हैं, केटू की पहाड़ियों से भी ऊंचा शॉट शेव शेख की जाने से। मैच हो चुका है ट्विस्ट, रन दरकार है 26 6 बॉल्स पर हो गया आपको, इरफान राज का कड़ा इम्तहान, बॉलिंग पे आए आपकी बार ओ डॉट कराने में कामयाब माजिद शाह और यहाँ पे रन आउट, रन आउट। आप नाजिना मेडिकल ओके हो गया आपकी बार, बाद रॉकेट शॉट खेला बाद में बोलर शाह 4 रन के लिए, जबरदस्त बैटिंग, 4 बॉल से रन आ चुके हैं 22 21 छक्का, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा छक्का लगाने में कामयाब हुए शेव शेख अब की बार, ब्यूटी कमाल का पावर हिट माजिद शाह को, तीन बार से बचाना हो गया रन 15 4 छक्के एक चौका, 28 रन बना चुके हैं शेव शेख 5 बॉल पर, मेला लूट लिया है यहाँ पर एसएल का फारूक खान गम ने, 3 बॉल सर 15 रन दरकार। फिर से माजिद शाह का होगा सामना, 5 बॉल पर 28 रन बचोर चुके हैं, अब की बार बॉल डॉट कराने में कामयाब माजिद शाह, जबरदस्त बॉलिंग माजिद शाह की जानिब से,
अच्छा सामना होगा शेप सिक्स से, देखना होगा आपकी बार और बॉल है रिडार में और बॉल गया छप्पन की जानेब और मैच को विन करवाने में दूसरा कोशिश। अच्छे रनिंग बिटवीन दी क्या रह चुका है 13 रन एक बॉल पर। अगर यहाँ 9 बॉल डिलीवर हुआ तो तभी मैच में होगी वापसी गनी आउट की, अदरवाइज लाला ब्लास्टर जीत चुकी है मैच। एक बॉल और 13 रन लाला ब्लास्टर्स इस वक्त हैं हावी। एक बॉल है लाला ब्लास्टर्स ने डिलीवर करना है और उसने 13 रन बनाने का और सिमित ने स्कोर किया लाला ब्लास्टर्स ने। अब यहां पे पूरा एफर्ट ना अब सो सैड काम मेरे से रिक्वेस्ट जनाब नेक्स्ट मैच हमारे साथ जुड़िएगा बहुत बड़ा मैच गनी आउट वर्सेस लालपुर वॉरियर्स। लास्ट बॉल का खेल माजिशा शेप शेख सामना।